व्हाट्स अप एटिक्स गैंग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल का गेम प्ले, जो कि होने वाला है बहुत ही ताबड़तोड़ और बमबाजी से भरपूर। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि अगर आपको वो छोटा सा बीट सॉन्ग जो कि पबजी मोन्टास के यूज करके हमने बनाया है वो अगर पसंद आया हो और आपको और नए सॉन्ग्स के साथ वो मोन्टास देखना है, तो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन भी दबा देना। चलो इस बार एम करते हैं हम कि अगर हमारे इस वाले वीडियो के बाद हमारे चैनल के ऊपर हो जाते हैं पूरे के पूरे 215 सब्सक्राइबर्स, तो हम तभी अगली वीडियो में जल्दी से और एक मोन्टाज लेके आए इस टाइप की। तो यार जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो, चाहे तो M249 फेंक के मारो यार, या नहीं तो GAR98 का पट से है, लेकिन मुझे नहीं पता, जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि यार प्यार बांटने से बढ़ता है और हमारी एटेक्स गैंग बढ़ती है वीडियो शेयर करने से और वीडियो को सब्सक्राइब करने से, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो अब हम आते हैं मिसाइल और ग्रेनेड लॉन्चर से भरे पड़े गेम प्ले के अंदर, क्योंकि यार एटेक्स गैंग इस बार हम खेल रहे थे पेलोड, जो कि बहुत पहले ही अपने पबजी के अंदर अपडेट के तौर पे आया हुआ था और मुझे तभी अपलोड करना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम और इस इंट्रो की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब हम जा रहे थे स्कूल के अंदर, लेकिन लैंड हो जाते हैं अपार्टमेंट के पास क्योंकि हमें लग रहा था कि यार यहाँ पे बंदे आएंगे, पर इस मोड में तो यार कुछ ही बंदे आ जाते, तो पहले लूट कर लेते और फिर चलते बंदों के पास, क्योंकि एक या फिर दो स्क्वाड यहाँ पे उतर चुके और इसका पता हमें तब चलता है कि जब मैं लूट ही कर रहा था भाई कि हमारा दो नंबर भाई टपक गया, मतलब देखते ही देखते उसे दो वक्त जज्बात सब कुछ बदल दिया भाई उसे। अब यहाँ पे इन वाले बंदों ने यार उसकी सीधा पेटी बना दी थी, तो यहाँ पे मेरा रश मारने का प्लान था, अब मैं आता हूँ इस वाले अपार्टमेंट के अंदर और मुझे लग रहा था कि यार यहाँ सामने की तरफ कोई तो टीवी की लगा, क्योंकि मुझे फुटस्टेप भी आ चुके थे और बंदा यहाँ पे होता भी। बढ़िया चीज़ है कि भाई एक नेट डालो और बंदा नॉक हो जाता है, और यहाँ इस वाले मोड के अंदर तो हमने इतने बंदों को मतलब खतरनाक तरीके से मारा, और यहाँ पे हम अपने टीममेट को भी जिंदा कर सकते हैं क्योंकि यार उसकी पेटी में से हम एक आईडी उठा लेते हैं और जो आपके सामने दिख रहा है मतलब टावर दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे और इसको कॉल कर देंगे, तो यार ये बंदा हमारा आ जाएगा, मतलब ये एक बढ़िया चीज़। और यार इस वाले गेम प्ले में ना एटेक्स गैंग हम हर एक चीज़ आपको दिखाने वाले, क्योंकि यार ये हम एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला गेम प्ले खेल रहे थे, ना कि जीतने के लिए, तो यार हर एक चीज़ आपको यहाँ पे हम दिखा देंगे। लेकिन एक बात समझ लो एटेक्स गैंग कि यार इस गेम प्ले के अंदर आप दो AR भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो लेकिन मत करना, और दो ग्रेनेड लॉन्चर या फिर वो बमबाजी वाला सामान मत लेना, क्योंकि यार एक AR और एक बमबाजी वाला सामान होगा तो उसका यूज़ किस तरह से होगा वो आप आगे आगे देखना, मतलब बहुत ही खतरनाक फाइट्स होने वाले हैं आगे। और इस वाले मैप के अंदर भाई बहुत ही डेंजरस कर दिया है सब कुछ, मतलब गाड़ियों पे गन लगी हुई है, मिसाइल्स, M249 सब कुछ लगा हुआ है और खतरनाक वाली मिसाइल है, और ये देखो भाई मतलब क्या ही दिख रही है यूएस। और आप थोड़ी देर में आपको मैं डासे अभी दिखाऊंगा, मतलब देखो यार, देखो भाई क्या ही बनाया यार पबजी वालों ने, कितनी खतरनाक दिख रही है डासे, और वो भाई ये मिसाइल मार भी सकते हैं और उसी के साथ फ्लेम थोर भी है। और ये देखो भाई बग्गी, मतलब ये वाली बग्गी आप पानी में भी आप चला सकते। अब इस मिसाइल का एम थोड़ा सा
डिफिकल्ट है कि यार हम सामने वाले बंदे को ऊपर एम कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने इस टावर की मदद से हमारा टीममेट भी बुला लिया था, तो अब आपको सब चीज़ हम आराम से एक्सप्लोर कर। और अब आप देखोगे कि मतलब इतनी खतरनाक बना दी है कि यार भाई आपको मतलब मुझे तो अब तक जो गाड़ियाँ मैंने देखी हैं उसमें से बहुत ही खतरनाक लगी है वो यूएच। मतलब क्या ही देखते हैं यार, इसमें फ्लेम तो रहा है, मिसाइल थ्रो कर सकते हैं और मशीन गन भी है। मतलब और क्या ही चाहिए यार, पूरा का पूरा पैकेज है हमारे पास। देख रहे हो आप यार, इसके ऊपर एक मिसाइल लगी हुई है, सामने की तरफ एक मशीन गन लगी हुई है और फ्लेम थ्रोअर है। मतलब पूरा का पूरा खतरनाक वाला पैकेज। और यार एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अटपटी लगी कि यार मशीन गन की आप अगर मतलब फायरिंग का बटन दबाते हो तो थोड़ा टाइम लेती है गोलियाँ चलाने, पता नहीं क्यों ये स्कैम हुआ है पड़ा है। अब यहाँ पे मुझे और एक नई गाड़ी दिख चुकी थी जो कि पानी पे भी चल सकते हैं, और इस पर तो पीछे की तरफ मतलब M249 लगे हैं। फुल पैकेज गाड़ी यार, पानी में भी चल सकते हैं। मतलब हर एक गाड़ी को कुछ ना कुछ नया करते हैं, और इस पे भी फ्लेम तो और है। अब यार ये आपको मैं ये गाड़ी चला के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बढ़िया चीज़ है कि हम फ्लेम थ्रोअर का अगर एक बार बटन दबा देते हैं तो यार ये कंटिन्यूसली फ्लेम थ्रो करेगा, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और अब मैं यहाँ से वहाँ भटक ही रहा था, लेकिन यार आपको अब एक साउंड सुनाई दे रहे हो कि जो कि इस बात का सिग्नल है कि यार आपको ये ऊपर किसी ने एम कर लिया है। मतलब जो खतरनाक वाली सबसे खतरनाक गन जिससे आप एम कर सकते हैं, और अगर मिसाइल फायर कर सकते हैं तो यार आपके पीछे आके फटेगी। मतलब एम किया है जो कि एक बढ़िया चीज़ है। अब सामने की तरफ मुझे एक बंदा स्पॉट हो चुका था जिसे मैंने नॉक भी कर चुका था, तो यार जल्दी से उस पर रश मारते हैं। पर यहाँ ये वाला बंदा तो अकेला ही था, तो यहाँ पे कोई और नहीं मिलता। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद आगे जाके जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होगी। मतलब उन बंदों को मैंने इतने खतरनाक तरीके से मारा है ना यार, आपको देख के पता ही चल जाएगा कि यार खतरनाक वाली गन कौन से इस वाले मोड के अंदर। अब यहाँ पे हम बंदों को ढूंढ ही रहे थे लेकिन मुझे सामने की तरफ एक यूएस से उतरते बंदों को। अब यहाँ पे मैं बंदों की ढूंढ ही रहा था लेकिन मुझे आने लगे थे फुटस्टेप जो कि यहाँ सामने की तरफ। और ओ भाई क्या ही इसके साथ स्कैम कर दिया भाई। मतलब इस वाले बंदे को तो यार एटेक्स गैंग इतना खतरनाक तरीके से मारा है, तो यार इस वाले किल के लिए तो एक लाइक बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दो यार, अपने भाई के लिए सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी लूट ही कर रहा था लेकिन यहाँ पे हो जाती है थर्ड पार्टी। और अब जो होगा ना यार थर्ड पार्टी पर थर्ड पार्टी हो जाएगी, मतलब स्कैम ही। ओ भाई इसको तो क्या ही मारा है भाई खतरनाक तरीके से। मतलब ये बंदा तो रो दिया होगा,
अब इसका एक टीममेट भागा भागा फुल स्पीड मेरे पास आके ठोक जाता है। और भाई जितनी स्पीड में ये आता है ना, उससे भी दुगनी स्पीड में हम इसे लॉबी भेज देते हैं। मतलब हमने ठेका ले रखा था कि यार सबको यहाँ पे हम रुलाई देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से लूट ही रहा था। और एक टी हम पे थर्ड पार्टी कर जाती है, और एक स्क्वाड, और ये वाली स्क्वाड ना यार हमें रुला दी। और यार आपको एक सच बताऊं कि यार मेरे जो टीममेट्स हैं ना वो सच में बॉट्स। मतलब भाई ये वाले मोड में बंदों के पास मिसाइल है तो ओपन में क्यों जाना भाई, पर नहीं, इन्हें तो समझ नहीं आएगा तो मरवा लो भाई। और भाई यहाँ पे ना मेरे साथ क्या स्कैम हुआ पड़ा था पता नहीं, लेकिन बंदों के ऊपर गोलियां ही नहीं लग रही थी, रजिस्टर ही नहीं हो रही थी। आपको पता ही चल चुका होगा कि यार ये सामने वाली स्क्वाड ना बहुत ही खतरनाक वाली, और जब तक इन वाली स्क्वाड के साथ हम फाइट ही ले रहे थे एक और यूएस आ जाते। मतलब यार यहाँ पे लंगर बट रहा है कि थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी करे जा रहे हो, या फिर स्ट्रीम स्नाइपर का हो। मतलब मैं तो स्ट्रीम ही नहीं कर रहा, फिर भी इन बंदों को कैसे पता चल रहा है कि यार पूरे के पूरे बंदे यहीं पे आके ठोक रहे। और ये देखो मेरा लेवल 3 का हेलमेट फोड़ दिया भाई इन बंदों ने। अब हालत क्या होने वाली है वो आपको पता है, मतलब पेटी तो बनने ही वाली है, लेकिन थोड़ा सा हम छटपटा रहे थे कि यार क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए और हम यहाँ पे बच जाए। लेकिन जब तक मैं अपना हेलमेट ही ढूंढ रहा था तब तक ये बंदा यहाँ पे फ्लैंक मार रहा था। और भाई अगर मेरे दिमाग से मतलब जो मैंने सोचा था वो अगर यहाँ पे हो जाता ना तो यार ये बंदा मारा जाता, क्योंकि इस बंदे ने फ्लैंक मारा तो मैंने यहाँ पे पहले से ही वेट कर रहा था। पर ये बंदा सीधा का सीधा ऊपर भाग लेता है, मतलब विंडो से अंदर जाके ऊपर भाग लेता है। अब मुझे लग रहा था कि यार ये यहाँ पे सामने की तरफ स्टेयर्स पे टीवी पे ले रहा होगा तो इस साइड से जाएंगे और निपटा देंगे बंदों को, मतलब उस वाले बंदे को। पर ये बंदा कुछ अलग ही सोच में था। और ये बंदा सीधा ऊपर भाग लेता और ऊपर की तरफ टीवी पे लेने लगा था, तो मुझे लगा कि यार दूसरी साइड से जाएंगे ऊपर और उसे बंदे को मार देंगे। पर हर एक प्लान मेरा यहाँ पे गलत साबित हुआ। अब मैं यहाँ पे ढूंढ ही रहा था कि यार ये बंदा है तो है कहाँ पे, और आखिरकार मुझे यहाँ पे दिख भी जाता है। पर मुझे यहाँ पे एक चीज बताना, ये बंदा यहाँ पे नॉक कैसे नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार एक नेट डाल लेते हैं, लेकिन ये बंदा सीधा मुझ पर ही रश मारने लगा था। और भाई साहब हमें आरपीजी चिपका देते हैं तो अब क्या ही। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करना कि यार इस बंदे ने कितनी क्लोज में आके मुझे आरपीजी चिपका दी। और ये हमारा 2 नंबर तो बॉट ही है खैर, पर जब इस वाले बंदे ने हमारे 2 नंबर के ऊपर फिर से आरपीजी चलाई तब मुझे बताना कि ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। तो यार आशा करता हूँ आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो जो नए बंदे हो, और चैनल को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना।
और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन के सामने, दो इंस्टाग्राम आईडी, वेटेक्स पबजी लवर, शंतनु_126। तो यार तब तक के लिए सायोनारा।